हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इष्ट देव महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हम जानकारी आपके लिए लेके आए हैं वो है कि आप किस तरह से जो एक साधक होता है, जो एक भगत होता है, वो किस तरह से आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। आप यदि कोई बड़े साधक भी नहीं है, बड़े भगत भी नहीं है, तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं यदि आप गुरुमुख हैं या किसी मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं या किसी इष्ट देव की आप सेवा करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते हैं। मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि आप ये दो काम कीजिए, उसमें मैंने निरंतर बताया कि किस तरह से आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं, नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं, नेगेटिविटी को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं स्वयं बिना तांत्रिक ऊर्जा पंडित के पास जाए हुए। उस वीडियो को जरूर देखिए। आज भी मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो कि यदि आप किस तरह से अपने परिवार की जो है सुरक्षा कर सकते हैं ताकि जीवन भर आपके परिवार में कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी तंत्र बाधा या कोई भी ऐसी कोई ओपरा की अवस्था, कोई भी ऐसी क्रिया आपके ऊपर करके ऊपर ना हो, आपके परिवार के ऊपर ना हो, इससे आपको परेशान होना। आपने करना क्या है, देखिए, आप यदि मंत्र जाप करते हैं, निरंतर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, आपको 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो नेचुरली वो मंत्र जो है उसकी ऊर्जा जो वो मंत्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है, उसकी ऊर्जा आपके पास बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाती है, उसी के माध्यम से आप बहुत से कार्य कर लेते हैं। आप किसी बड़े तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं ये लोग, जो मंत्र होता है सिद्ध हो जाता है, इनका गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र में बहुत पावर होती है, वो मंत्र सिद्ध होता है और उससे उस मंत्र को मात्र 11 बार, 21 बार, 51 बार बोल के एक कोई कई लोग जैसे कि एक बार बोल के मात्र किसी भी चीज के ऊपर फूंक मार देंगे तो वो कार्य करना शुरू कर देता है, यही होता है, यही जादू की छड़ी है। तभी हम कहते हैं कि जीवन में यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो किसी एक आपके जो इष्ट देव है आप अपने कुल देवता की सेवा कीजिए, कुल देवी की सेवा कीजिए, अपने इष्ट देव की सेवा कीजिए, अपने पितृदेव की सेवा कीजिए, अपने इष्ट देव से आपको ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे आप जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे, जो भी होगा सारा कार्य आपके हित में होगा। करना क्या है अपने, जब आप पूजा करते हैं, पूजा के समय जब आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा के समय एक जल का लोटा अपने पास रखिए। जब आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद उससे 3 बार उस लोटे में फूंक मार दे, उससे क्या होगा, जो ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित हुई है उस मंत्र जाप से वो सारे उस जल में एकत्रित हो जाएगी। उसके बाद अपना पूजा पाठ समाप्त करके उस जल को घर में छिड़किए, अंदर से बाहर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, जो है अपने पूरे मकान अपने घर में छिटकी, उससे थोड़ा थोड़ी छिटे मारे, उससे क्या होगा, जो नकारात्मक जो शक्ति है वो आपके घर से बाहर चली जाएगी, और थोड़ा थोड़ा जल जो है घर में सभी को ग्रहण करने के लिए दे दीजिए। आपका ऑरा तो मजबूत होगा ही होगा, उससे आपके घर वालों का जो ऑरा है वो मजबूत होगा, उनकी शारीरिक जो परेशानियां हैं, उनको मानसिक परेशानियां हैं, वो सारे दूर हो जाएंगी। ईश्वरीय उपासना, ईश्वरीय नाम, ईश्वर का नाम क्या है, ये आत्मा की खुराक है। जब आपका ऑरा मजबूत होगा, आपकी आत्मा का ऑरा मजबूत होगा, तो कोई भी नेगेटिव शक्ति यदि आपकी तरफ आएगी, नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ आएगी, तो उससे टकरा कर वो भस्म हो जाएगी, वहां पर चली जाएगी। निरंतर जाप करते रहिए, इससे आत्मा पवित्र होती है, धीरे 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 आप देखेंगे। और थोड़ा सा जल जो है हमेशा, तभी हम कहते हैं हमेशा एक लोटा जो है जल का ना अपने पूजा घर में रखना है, क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो सारी ऊर्जा जो है उसमें एकत्रित होती है। आपके घर में कभी भी कोई परेशानी होती है, कोई बीमार हो रहा है, एकदम आप मंत्र पढ़िए और उस जल में फूंक मारिए और उसको पिला दीजिए अपने घर में, एकदम तो कुछ नहीं होगा, होगा भी यदि आपकी ऊर्जा शक्ति, मंत्र शक्ति, आपका जो एक पावर है आपके अंदर, ओरा पावर बहुत मजबूत है, यदि आपकी ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप की, उससे आपके अंदर शक्ति एकत्रित होगी और सुरक्षा मिलेगी। तपोबल, अपना तपोबल जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, यदि आपका तपोबल बहुत ज्यादा है तो आप एक मंत्र से भी, एक फूंक से भी आप कार्य कर देंगे, मंत्र को मात्र 1 बार पढ़ के भी वो मंत्र कार्य करना शुरू कर देगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
आज वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।